ये खबर है। विधानसभा सदन में चंदौली घटना का जिक्र हुआ, पूर्व सीएम अखिलेश ने जिक्र किया। लगातार बढ़ रहे अपराधों पर भी सरकार को घेरा और समाजवादी पार्टी विधायक ने खड़े किए सवाल। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर खड़े किए सवाल। पुलिस की दबिश के दौरान हो गई थी युवती की मौत और घटना के बाद पीड़ित परिवार से अखिलेश यादव मिले भी थे, तो सपा विधायक ने सवाल खड़े किए हैं। पुलिस दरअसल दबिश देने पहुंची थी और इसी दौरान एक युवती की यहां पर मौत हो गई थी, जिसको बाद में आत्महत्या पुलिस ने करार दिया था। लेकिन फिलहाल पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जिक्र करते हुए सवाल को उठाया और खबर को उठाया, लगातार बढ़ रहे अपराधों पर भी सरकार को घेरा है। कल विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन था और कल तीखे बाण दोनों तरफ से चलते नजर आए। एक तरफ अखिलेश यादव बोलते नजर आए तो फिर उसका जवाब योगी आदित्यनाथ देते हुए भी नजर आए। ये घटनाएं होंगी उत्तर प्रदेश में, चंदौली की उस बेटी की जो रो रो करके कह रही थी, पुलिस दबिश करने आई थी। क्या दबंगई करने जाती है कि दबिश के लिए जाती है पुलिस? उसकी व्यवस्था है, सिस्टम है, आप कैसे जाएंगे घर में? ये किसने छूट दी है? आप घर में घुस गए, बेटी को इतना पीटा कि जान चली गई उसकी। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, आज के जमाने में जब आप डिजिटलाइज कर रहे हो सब चीजों को, हर चीज को आप इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, क्या हमने आपने नहीं सुना? माननीय सदस्य जितने भी हैं सबने सुना होगा कि वो बहन क्या कह रही थी। उसकी बहन कह रही थी कि पुलिस ने इतना पीटा कि जान चली गई। उसके बाद पुलिस उसकी झूठी कहानी बनाने के लिए फांसी से लटकाना चाहती थी। ये घटनाएं होंगी उत्तर प्रदेश में।